हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एमलगेमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एंट्रीज, किस तरीके से हम एंट्रीज को मेंटेन करते हैं एमलगेमेशन में। जैसा कि मैंने बताया ही था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एमलगेमेशन में दो मेथड्स को यूज करते हैं हम। मर्जर मेथड होता है एंड परचेज मेथड्स, दो तरीके से हम एमलगेमेशन को करते हैं और उसमें दो अकाउंटिंग मेथड, दो टाइप्स को मेथड्स को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो यहाँ एक चीज बता दूं कि जब, क्योंकि दो लोगों के बीच में एंटिटीज बनती है, ट्रांसफर यानी कि सेलिंग कंपनी, जिसे ट्रांसफरर कंपनी, जिसे हम सेलिंग कंपनी भी कहते हैं, वेंडर कंपनी भी कहते हैं, तो और इन द बुक ऑफ आपकी परचेजिंग कंपनी, यानी दोनों की बुक्स में एंट्रीज को बनाने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो सेलिंग कंपनी है यानी वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, इस कंपनी में जो भी एंट्रीज बनती है, चाहे वो मर्जर की हो और चाहे वो आपकी परचेज मैथड से रिलेटेड हो, इनको इनमें इनकी जो एंट्रीज होती हैं इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर, उसमें सेम रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपका इन द बुक ऑफ परचेजर में आप बनाएंगे, यानी परचेजिंग कंपनी की बुक में अगर आप जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मेथड्स मैंने डिफ्रेंशिएट किए थे कि क्या अंतर होता है बनाते समय, तो बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू और रिजर्व्स को नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट आपका स्टैच्यू रिजर्व, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हम अभी पहले हम इन द बुक ऑफ ट्रांसफर कंपनी जनरल एंट्रीज को देखेंगे। एट द टाइम ऑफ एमलगेमेशन हम क्या क्या चीज, कौन सी एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई भी सेलिंग कंपनी अगर अपनी बिजनेस को दे रही है, तो उसमें उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। उसके एसेट्स क्या रियलाइज हुई, इसकी एंट्रीज में जो हम बनाते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट से बनती हैं एंट्रीज। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी एसेट्स होंगी क्योंकि जा रही है, तो वो हम एसेट्स को क्या कहेंगे, टू एसेट्स, हमारी एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी एंड रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर सारी एसेट्स जितनी भी होंगी उस ट्रांसफरर कंपनी की, उसको लिखेंगे यहाँ पर एट द बुक वैल्यू, यानी कि जैसे बुक वैल्यू, यानी जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को यहाँ पर एक एक करके, जितनी भी एसेट्स हैं, कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सारी एसेट्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी आर टू एसेट्स अकाउंट, एक एसेट्स की एंट्री बन जाएगी और ऐसे ही एक लायबिलिटीज की एंट्री बनेगी। लेकिन लायबिलिटीज में हम लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मतलब, यानी ट्रांसफर कंपनी की अकाउंट में, अगर ट्रांसफर कंपनीज की बुक में अगर हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट से बनती है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि परचेज कंसीडरेशन। ये हमने कल कैलकुलेशन से दिखाया था कि हम क्या परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं माइनस लायबिलिटीज एंड परचेज कंसीडरेशन, जितना भी अमाउंट बचेगा, अगर हमारा पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सेल्स कंपनी का, वो परचेज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो अगर हमारा पॉजिटिव जा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस, अगर एसेट्स हमारी कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है, यानी कैपिटल रिजर्व में दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ ये दिखाते हैं कितना परचेज कंसिडरेशन है, इसको कितना पैसे मिले और कितने पैसे किस चीज में मिल रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ही कंपनी उसे कितने में दे रही है। मान लीजिए एक बिजनेस वो 1 करोड़ रुपए में उसको लेती है, टेक ओवर करती है 1 करोड़ में, तो परचेजिंग कंपनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट DR 1 करोड़ रुपीज एंड यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट 1 करोड़। तो यार ट्रांसफर ही कंपनी का नाम एक्स वाई जेड लिमिटेड मान लीजिए, तो यहाँ पर आपका 1 करोड़ यहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, ड्यू एंट्री है ये आपकी। लेकिन जब मिलती है, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें कैश में ही मिल जाए। मैंने पता है किसी भी मोड ऑफ पेमेंट, कैसा भी होता है, शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, ऐसे तीनों ही किसी भी मोड में वो कर सकता है, या किसी भी मोड में या एक से ज्यादा मोड को भी वो एप्लीकेबल कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, एक एंट्री आपकी ड्यू की बन गई, दूसरी जब उसने रिसीव परचेज कंसिडरेशन को पाया, तो ये यहाँ पे शेयर अकाउंट DR या कैश अकाउंट DR जिसमें भी मिलाओ, या दोनों में मिलाओ, तो दोनों में जितने के शेयर मिले उसका अमाउंट DR जाएगा उतने अमाउंट से, कैश में जितने पैसे मिले उसके अकाउंट से DR एंड टू ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्योंकि देने वाली है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया।
नेक्स्ट एंट्री बनेगी, अब हमने क्या बनाया एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, जो जो सी वो दे रहा है। दूसरी एंट्री बनाई परचेज कंसिडरेशन की, और तीसरी एंट्री बनाएंगे सेल्स ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय परचेज कंपनी। जो ऐसी एसेट्स जो परचेज कंपनी लेने से मना कर देती है, वो कहती है हम इन एसेट्स को नहीं लेंगे, तो वो उसको कैसे एडजस्ट करेगी सेलिंग कंपनी, तो इसके लिए भी वो एंट्री बनाती है सेल्स विद द एज्यूमिंग प्रॉफिट बैंक अकाउंट दिया। अगर ये देखती है कि जो एसेट्स उसके पास बची है वो लॉस में हो रही है या प्रॉफिट में आ रही है, ये थोड़ा सा अज्यूम कर लेती है, तो वो क्या होता है शेयर नॉट टेकन ओवर बाय परचेज कंपनी, लेकिन उसको क्या हो रहा है शेयर परचेज कंपनी को, सेलिंग कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उन एसेट्स को ना लेने के बावजूद बाद, तो ये क्या है बैंक अकाउंट डीआर एसेट्स अकाउंट जो बुक वैल्यू दिखी हुई है और रियलाइजेशन मींस अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो, यानी कि मान लीजिए एक एसेट्स 10,000 की है और 10,000 में उसे जो है रियलाइजेशन, यानी अगर वो खुद बेचता है तो उसको सिर्फ उस पर 9,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या होगा उसे 1,000 का जो होगा लॉस होगा, तो लॉस जब हम लॉस की एंट्री बनाएंगे अगर, तो ये वाली नीचे वाली एंट्री बनाएंगे, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डी आर रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है 10,000 की एसेट्स अगर सेलिंग कंपनी को 12,000 में उसकी वैल्यू से कैलकुलेट करता है मिलती है, तो उसमें हम कहेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट, यहाँ पर हम लिखेंगे जितना भी प्रॉफिट, यानी बैंक अकाउंट में यहाँ पर 12,000 रुपए आ गए लेकिन टू एसेट्स में 10,000 की थी एंड रियलाइजेशन अकाउंट उसे 2,000 का हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री जो नहीं ली जाती है बाय द परचेज कंपनी, जो एसेट्स नहीं ली जाएंगी उनकी एंट्री बनाएंगे। ऐसे ही आपकी लायबिलिटीज की एंट्री बन जाएगी, अगर जो लायबिलिटीज परचेज कंपनी नहीं लेती है उसकी एंट्री बना लेते हैं, उसको भी हम ये देखते हैं कि हमारा लॉस पे हुआ या प्रॉफिट में हुआ। अगर लायबिलिटीज हमारी प्रॉफिट में जा रही है, यानी कि अगर कोई लायबिलिटी, यानी कि सपोज कोई शॉर्ट टर्म लोन था उसे चुकाना है और वो 10,000 का लोन था और या 1,00,000 का सपोज लोन है और 1,00,000 का लोन हमारा 80,000 में ही 80,000 में ही चुक जाता है, यानी कि 80,000 उसे डिस्काउंट मिल जाता है एक तरह से, तो वो उसका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट एट अ बुक वैल्यू जो कि हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही थी एंड रियलाइजेशन अकाउंट जितना भी बैलेंसिंग फिगर है, यानी प्रॉफिट जो उसे हुआ है एक पैसे डिस्काउंट मान करके चल रहे हैं उसे मिला है जो चुकाने पे, तो वो चीजें जो है इस तरीके से हम उसकी एंट्री बनाएंगे। ऐसे ही जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा आपकी अगर लॉस हो रहा है उसे कोई लायबिलिटी के लिए, कि अगर 10,000 की लायबिलिटी है और उसे चुकानी पड़ जाती है उसको 20,000 रुपए में या 12-15,000 रुपए में, तो इस तरीके से उसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट डीआर रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स लॉस, यहाँ पर लॉस का बैलेंसिंग फिगर लॉस वाली आ जाएगी एंड बैंक अकाउंट डीआर। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपने जाना कि सबसे पहले एंट्री हम ये दिखाते हैं कौन कौन सी एसेट्स परचेज कंपनी द्वारा ली गई है, उनकी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट से एंड लायबिलिटीज की रियलाइजेशन अकाउंट से बनाएंगे। देन हम परचेज कंसिडरेशन की बनाएंगे, परचेज कंसिडरेशन का पहले ड्यू एंट्री बनेगी, फिर उसकी पेमेंट कैसे परचेज कंपनी सेलिंग कंपनी को दे रही है, उसको किस मोड में दे रही है, तो उसकी एंट्री बनाएंगे, यानी कैसे रियलाइज हो रहा है। देन आपका आपकी जो टेकन ओवर एसेट्स नहीं है बाय द परचेज कंपनी उसकी, और नॉट टेकन ओवर बाय द परचेज कंपनी लायबिलिटीज उसकी एंट्री बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आप लोग को। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब कि जो एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब यानी कि मर्ज करते समय कंपनी को परचेजिंग कंपनी को ये सेलिंग कंपनी को बियर करने पड़ते हैं, तो दो तरीके से होता है, या तो सेलिंग कंपनी उनको बियर करती है या परचेज कंपनी बियर करती है, या पहले सेलिंग कंपनी उन पर खर्च कर देती है उसके बाद वो परचेज कंपनी उस पैसे को चुका देती है। तो इसमें हम तीन तरीके से देख लेते हैं, अगर सेलिंग कंपनी खर्च कर रही है और परचेज कंपनी से ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो चुकाएगी नहीं चुकाएगी, तो उस केस में इनकर ट्रांसफर सेलिंग कंपनी का अगर एक्सपेंसिस ट्रांसफर कंपनी के थ्रू यानी सेलिंग कंपनी के द्वारा किए जाते हैं इनकर, तो क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट खाली हो रहा है एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। लेकिन और अगर ट्रांसफर कंपनी उसको एक्सपेंसेस को इनकर ना करके ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेज कंपनी अगर करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे उसमें कोई एंट्री ट्रांसफरर कंपनी यानी परचेज सेलिंग कंपनी अपनी बुक में नहीं बनाती है।
ऐसी तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि अगर सेलिंग कंपनी इनकर तो कर देती है उस समय, लेकिन बाद में परचेज कंपनी उसको चुकाती है, रिमबर्स कर देती है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इनकर्ड कंपनी पहले तो वो सेम ऊपर जैसी एंट्री बनाएगी क्योंकि वो खर्च कर ली है, तो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डीआर, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, यहाँ रियलाइजेशन की जगह ट्रांसफरी कंपनी का नाम लिखेंगे क्योंकि उसने उनकी पहले ही ये हो गया है एग्रीमेंट की इसको पैसे जो भी खर्चा करेगी सेलिंग कंपनी वो ट्रांसफरी कंपनी उसको देगी। तो ये चीज यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, यहाँ पर रियलाइजेशन की जगह फिर हम ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, तो जब उसे मिल जाता है पैसा ट्रांसफरी कंपनी से तब क्या करेगी, अपोजिट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू ट्रांसफरी कंपनी। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस के भी खर्च हो गया। दूसरा आता है अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये आता है कि जब उसे सारे पैसे मिल गए, एक्सपेंसेस उसने देख लिए कितने हो रहे हैं और कहाँ से मिलने हैं नहीं मिलने, इन सब के डिसाइड करने के बाद वो देखती है जो उसे पैसा मिला वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है जो उसके कंपनी के लोग हैं, तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो उनको कैसे डिवाइड, उस समय क्या एंट्री बनेगी, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, जो उसके बैलेंस शीट में कैपिटल वो रिजर्व्स हैं वो, और जो शेयर कैपिटल है शेयर होल्डर्स को बांटते समय क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, रिजर्व्स अकाउंट डीआर एंड टू शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स को दे देगी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स उनको ट्रांसफर करेगी। एंड ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ, क्या कहते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा होता है, यानी कि अगर परचेज कंपनी को सेलिंग कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर सारी एसेट्स लायबिलिटीज देने के बाद अगर परचेज कंपनी 24 लाख का दाम लगाती है, उसको खरीदती है, टेक ओवर करती है 24 लाख में, और सपोज उसके एसेट्स लायबिलिटी सब ले दे करके उसको 20 लाख ही उसे देने पड़ते हैं, यानी 20 लाख में ही उसे सब लगता है कि मेरी जो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो जो उसका मूल्य है वो एक तरह से 20 लाख ही है, तो उसे 4 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रॉफिट है उसको जो कंसीडर करती है उसको उस समय वो एंट्री क्या बनाती है, रियलाइजेशन अकाउंट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, उस प्रॉफिट को भी वो क्या करती है, बांटती है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उस समय एंट्री क्या बनाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर यानी प्रॉफिट जो होगा एंड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और शेयर होल्डर्स के अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देती है। अगर लॉस होता है तो वही अपोजिट हो जाता है, शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है आपकी सेटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय ट्रांसफर ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड, जो ट्रांसफर जो शेयर होल्डर्स अभी तो ड्यू की एंट्री बनाई थी जो हमें परचेज कंसीडरेशन मिला था, लेकिन अब परचेज कंसीडरेशन जो मिला है उसको जो शेयर होल्डर्स के बीच में सेटल कैसे करेगी, उस समय क्या एंट्री बनती है, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी जो है किसी भी मोड में परचेज कंसीडरेशन को पे कर सकती है, तो अगर वो शेयर्स में करती है तो टू शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी एंड टू बैंक अकाउंट, अगर सिर्फ कैश में करती है तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डी आर, शेयर होल्डर्स अकाउंट डी आर, और क्या हो जाएगा, टू शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी ऑन द सेटलमेंट और टू शेयर होल्डर्स बाय ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, जो कंसिडरेशन उसे रिसीव हुआ है और जिस मोड में रिसीव हुआ उस तरीके से उसकी एंट्री बना दी जाएगी। ये तो था सारे कि जब सेलिंग कंपनी की बुक में किस तरीके से एंट्री बनाते हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पहले देख लेते हैं, जो दे रहा है वो सेलिंग कंपनी परचेज कंपनी को दे रही है। दूसरी एंट्री हमारी किस चीज की बनेगी, परचेज कंसिडरेशन की। तीसरी एंट्री बन जाएगी कि हम जो टेक ओवर नहीं करी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज उस तरीके उसकी एंट्री बना देंगे। फिर हम एक्सपेंसेस इनकर्ड जो हुए हैं वो किसने किए हैं उस तरीके से उसकी एंट्री बना देंगे। और चौथी एंट्री जो हमारी परचेज कंसीडरेशन जिस मोड में मिला है उस मोड से उसको हम शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर जो प्रॉफिट हमें मिला है उस प्रॉफिट को भी हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से एंट्री को स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो याद हो जाएगी और मिस भी नहीं हो पाएगी। अब आता है इन द बुक ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरी का मतलब है परचेज कंपनी। परचेज कंपनी का मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में
जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं तो उस समय जो इन द बुक ऑफ जो सेलिंग कंपनी है उसमें हम इन दोनों मेथड्स को इग्नोर कर देते हैं, उसको हम ध्यान में नहीं रखते क्योंकि उसमें हर दोनों मेथड्स में एक सी बनती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बनाते हैं तो हम दोनों मेथड्स को ध्यान में रखते हैं कि किस, और दोनों मेथड्स में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मर्जर में क्या है और परचेज में क्या अंतर है, तो उन अंतर को ज्यादातर एक मोटा मोटा ध्यान में रख देते हैं कि बुक वैल्यू और आपका उसमें मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है, मेन रिजर्व्स के बारे में ध्यान में रखना पड़ता है तो उनको ध्यान में रखते हैं। बाकी एंट्रीज ऑलमोस्ट एक जैसी रहती हैं दोनों मेथड्स की, तो हम यहाँ पर हम एक मेथड को लेकर के चलते हैं एक कॉमन एंट्री, तो ड्यू एंट्री फॉर द बिजनेस यानी इन द बुक ऑफ, अब हम किसकी बुक में देख रहे हैं, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक में देखते हैं कि कैसे एंट्री बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं परचेज कंपनी ये सोचती है कि हमें कितना पैसा देना है, कितने में हमने बिजनेस को टेक ओवर किया है, तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पर बन जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डीआर टू लिक्विडेटर्स ट्रांसफरर कंपनी। यहाँ पर आप ट्रांसफर कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, एबीसी जो भी कंपनी को लिया है उस कंपनी का नाम लिख देंगे, दो कंपनी है दोनों कंपनियों का, ए लिमिटेड डी लिमिटेड ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो यानी परचेज बिजनेस परचेज को कंसिडर करने पे कितना कितना परचेज कंसिडरेशन है, टोटल अमाउंट मान लीजिए 24 लाख है तो 24 लाख यहाँ, और मान लीजिए 12 लाख दोनों कंपनी के लिए है तो यहाँ 12 लाख ऐसे तरीके से बिजनेस परचेज आ जाएगा टू लिक्विडेटर्स ट्रांसफर कंपनी। यहाँ नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर, कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज टेक ओवर करी हैं। जैसे वहां पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम सेकंड एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड स्टेप कर लेते हैं, या पहले भी बना सकते हो बिजनेस परचेज से, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन आप स्टेप से याद करोगे तो अच्छा रहेगा कि बिजनेस परचेज आपने पहले कंसिडर कर लिया कितने में किया, फिर ये देखोगे कि कितनी एसेट्स ली और कितनी लायबिलिटीज कितने कितने मूल्य पर ली। तो यहाँ पर हम एक परचेज कंसिडरेशन का रोल, मेन जो रोल है वो यहाँ पर दिखाई देता है। मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन लास्ट लेक्चर में बताया था, कंसिडर करते जब हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि हमें गुडविल मिली या कैपिटल रिजर्व, यानी कि अगर पॉजिटिव अमाउंट अगर है सेल्स कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स ऑफ द सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी में अगर हमें परचेज कंसिडरेशन और ये दोनों चीजें हमारी ज्यादा होती हैं, लायबिलिटीज और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा देनी पड़ती है और एसेट्स कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गुडविल यानी कि लॉस ऑफ परचेज कंपनी मानी जाएगी। और अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम किससे शो करेंगे, गुडविल को, गुडविल से। और अगर हमें पॉजिटिव या निगेटिव यानी कि यहाँ पर हमारी नेट एसेट्स अगर हमारी जो है ज्यादा हो रही है और परचेज सेल्स नेट एसेट्स ज्यादा हो रही है और सेल्स कंसिडरेशन हमें कम देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, परचेज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और इसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिजर्व बैलेंस शीट से जो ओल्ड कंपनीज है उनकी हम सारी चीजें लेते हैं उसमें कैपिटल रिजर्व नाम लिखा होता है, तब हम क्या करते हैं इसको कैपिटल रिजर्व दो बार तो हम दिखा नहीं सकते जनरल एंट्रीज में, तब हम क्या करते हैं जनरल रिजर्व के नाम से भी इसको हम बैलेंसिंग फिगर को दिखा सकते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि परचेज कंसिडरेशन में कब परचेज कंपनी का लॉस होगा और कब परचेज कंपनी का प्रॉफिट होगा और हाउ इट विल बी शोन, कैसे दिखाई जाएगी इन द जनरल एंट्रीज। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एंट्रीज बनाते हैं। तो एसेट्स अकाउंट दिया और यहाँ पर गुडविल अकाउंट का मतलब क्या है, बैलेंसिंग फिगर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज और परचेज कंसिडरेशन को जोड़ करके आएगी। ऐसे ही अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज और टू कैपिटल रिजर्व, यानी ये कैपिटल रिजर्व जो है बैलेंसिंग फिगर है। कैपिटल रिजर्व की जगह जनरल रिजर्व यू कैन राइट, अगर आपका जो कैपिटल रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट और आप ऑलरेडी यू हैव शोन इन दिस जनरल एंट्रीज, तो इसलिए आप यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री हो जाती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब इससे पता चल जाता है कि परचेज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद हम बनाते हैं डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी कि परचेज कंसिडरेशन को कैसे पे किया है, यानी कि कैसे चुकाया है इस पैसे को, शेयर्स में, कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम्स के साथ में, बैंक के अगर शेयर कैपिटल यूज करी तो विद प्रीमियम यूज करी है, इस तरीके से कैसे वो चुकाने का मोड क्या क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, क्योंकि यहाँ पर वो रिसीवर है तो यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी का नेम आ जाएगा, ए बी लिमिटेड जो भी है दोनों उनका, और टू शेयर कैपिटल। यहाँ अलग अलग भी एंट्री बना सकते हैं, सपोज ए और बी दो कंपनी, ए लिमिटेड
लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पर कहेंगे ए लिमिटेड कंपनी डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पीएम टू बैंक टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी एंट्री ऐसी बन जाएगी कि बी लिमिटेड डीआर बी लिमिटेड डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू बैंक, इस तरीके से आप दो एंट्री इसमें बन जाएंगी। आप एक साथ भी एंट्री बना सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि लिक्विडेटर एक साथ बनाने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ए कंपनी का आपने शेयर कैपिटल फिर बी कंपनी का शेयर कैपिटल, बहुत लंबी है, इसके अलग अलग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन को जब डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि हम देते हैं जब सेलिंग कंपनी एक परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को देती है, तो हम इस तरीके की एंट्री बना लेते हैं। उसके बाद आती है कि और भी कौन से हैं, तो ये दो एंट्री ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गुड्स एंड इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वहां पर हमने एक्सपेंसेस को देखा था, तो यहाँ पे भी हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। अगर एक्सपेंसेस वही वाली कंडीशन आ जाती है कि अगर एक्सपेंसेस जो है सेलिंग कंपनी इनकर्ड कर रही है, तो यहाँ पर परचेज कंपनी अपने वहां कोई भी एंट्री नहीं बनाती है। अगर परचेज कंपनी कहती है कि सेलिंग कंपनी से कि ठीक है तुम अभी इनकर्ड कर दो, बाद में हम पेमेंट कर देंगे, तो उस समय जो है सेलिंग कंपनी को बनाना पड़ता, परचेज कंपनी को अपने वहां एंट्री बनानी पड़ती है। साथ ही अगर सेलिंग कंपनी से ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता, परचेज कंपनी डायरेक्ट पे करती है एक्सपेंसेस को, पेमेंट उसका करती है खुद ही, तो उस समय भी उसको सेलिंग कंपनी को परचेजिंग कंपनी को अपने वहां एंट्री बनानी पड़ती है। तो उस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि अगर इनकर जो परचेजिंग कंपनी ने खुद ही इनकर्ड किए हैं एक्सपेंसेस, तो उस समय उन एक्सपेंसेस को कहां से वो मीट आउट करेगी, गुडविल या हम जनरल रिजर्व, इसको शो करते हैं। वो क्या करता था वहां पे, वो आकर करता था रियलाइजेशन अकाउंट दिखाता था, जो कौन सी, यानी कि सेलिंग कंपनी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परचेज कंपनी बना रही है, तो परचेज कंपनी किससे मीट आउट करेगी इन एक्सपेंसेस को, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, इससे एंट्री बनेगी। अगर सेलिंग कंपनी इनकर्ड कर रही है या रियलाइजेशन कर रही है, तो उसमें कोई एंट्री अपनी बुक में नहीं बनाएगा। और अगर सेलिंग कंपनी कर रही है और बाद में ये पे करती है परचेज कंपनी सेलिंग कंपनी को, तो उसमें भी यही वाली एंट्री बनाएगी, क्योंकि वो खुद ही पे कर रहा है। तो गुडविल और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर और टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से हम एंट्रीज को ध्यान में रखते हैं। फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री अगर है, ये सबसे लास्ट एंट्री है, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री फॉर स्टैचुरी रिजर्व। मैंने बताया था ये तब एंट्री बनती है जब जो रिजर्व दे रखे होते हैं और परचेज मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, और परचेज मेथड्स का मेन वो है कि हम और जनरल रिजर्व वगैरह इन सबको और सब रिजर्व को नहीं लेते, एक्सेप्ट स्टैचुरी रिजर्व लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री फॉर स्टैचुरी रिजर्व अपीयरिंग इन द सेलिंग कंपनी एंड द सेम ऑफ सेम टू बी मेंटेन बाय द परचेजिंग कंपनी, ये एंट्री दोनों ही उसमें बनती है। इसमें स्टैचुरी रिजर्व के लिए हम क्या बनाएंगे, एमलगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू स्टैचुरी रिजर्व, इस तरीके से एंट्री बन जाती है अगर हमारी परचेज मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जो इन द बुक ऑफ, अगर हम ये देखते हैं इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो वहां पे आपकी एंट्री बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इजी है, आप याद कर सकते हैं, अगर सेलिंग कंपनी की भी याद है और परचेजिंग कंपनी की भी। तो सेलिंग कंपनी में भी सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन देखते हैं कि परचेज कितने में खरीदी, उसके बाद कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज ली, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर लेते हैं कि गुडविल हुआ या कैपिटल रिजर्व में आई है। उसके बाद हमारा पेमेंट मोड क्या रहा ये देख लेते हैं, पेमेंट मोड क्या रहा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारी, मतलब सबसे पहले हमने परचेज कंसिडरेशन देखा, उसके बाद हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया कि क्या हमें गुडविल हुई कैपिटल रिजर्व, फिर हम कैसे हम पेमेंट मोड करते हैं, जो मैं बता रही थी कि क्या सेलिंग कंपनी ने जो परचेज कंपनी है सेलिंग कंपनी को किस तरीके से पेड कर रही है। उसके बाद जो आपका आ जाता है अदर में आपका, अगर अनरियलाइज कोई प्रॉफिट होता है तो ये वाली एंट्री बन जाएगी, अदरवाइज एक्सपेंसेस मेन होते हैं, एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस को हम लिख लेंगे कि क्या किस तरीके से, वो मैंने आपको बताया कि अगर ये कंपनी खुद ही, मतलब परचेज कंपनी खुद इनकर्ड कर रही है, तो हम फिर उसकी बुक में बनाएंगे एंट्री। और उसके बाद स्टैचुरी रिजर्व अगर इन द बुक, अगर परचेज मेथड है, तो हम इस वाली एंट्री को भी एडजस्ट करेंगे। सो थैंक यू, एमलगेमेशन की एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको उसमें दी हुई है, उसको आप सॉल्व करिए।